नमस्कार दोस्तों, यदुराज एकेडमी के ऑनलाइन स्पेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का मैथ्स का सेकंड चैप्टर करेंगे। तो जो सेकंड चैप्टर है वो है आपका पॉलिनोमियल्स। तो हम यहां से शुरू करते हैं, व्हाट आर पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? अभी जो सामने मैंने एक स्टेटमेंट लिख रखी है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, पी एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स एन, ए एन एक्स की रेस टू पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन डॉट 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 ए टू एक्स की पावर टू ए वन एक्स वन प्लस ए नॉट। ये जो ढांचा है, ये जो फॉर्म है, ये पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है। क्या है ये पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म? तो इस जनरल फॉर्म में हम किसी भी पॉलिनोमियल को हम जनरली ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। क्लियर? तो ये जो पॉलिनोमियल है इसके बारे में आज समझेंगे। अब यहां पे जो मैंने पॉलिनोमियल लिखा है, अगर मेरा ए एन नॉन जीरो हो, मीन्स नॉट नॉन जीरो यानी नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो इस पॉलिनोमियल की एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है दोस्तों? इस पॉलिनोमियल की एक्स की हाईएस्ट पावर एन है। एक्स की हाईएस्ट पावर यहां पर कितनी है? एन। ठीक है? तो जो हाईएस्ट पावर होती है हमारे पास, उसको हम पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। तो डिग्री हमारे पास यहां पे पॉलिनोमियल की कितनी हो गई? एन। राइट? सो इस जनरल फॉर्म में अगर मेरा ये वाला कोएफिशिएंट नॉन जीरो है, उस केस में मेरी इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? एन। ये ढांचा है हमारे पास। यहां पर जो ए नॉट है, ये मेरी कांस्टेंट टर्म है, ये कोएफिशिएंट्स है, एक्स एन का कोएफिशिएंट ए एन है, एक्स एन माइनस वन का पावर का कोएफिशिएंट ए एन माइनस वन। तो डिग्री आपको क्लियर है? द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इन एक्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री वन होती है उसकी बात कर लेते हैं। उसकी जनरल फॉर्म हमारे पास ये है। अब यहां पर मैंने ये जो पॉलिनोमियल लिखा है, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? वन। तो दिस पॉलिनोमियल इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसका ए का नॉन जीरो होना जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज एक्स की पावर वन तो रहेगी ना, उसको सर्वाइव करने के लिए ए हमारा ए मस्ट बी नॉन जीरो। ऐसी तरह से ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है आपके पास, उसमें भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारा नॉन जीरो होना चाहिए। यहां पे भी हमारी डिग्री कितनी हो गई? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज दैट पॉलिनोमियल वेयर आपकी जो डिग्री है वो पॉलिनोमियल की टू होगी। ऐसी तरह से एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, उसकी डिग्री थ्री होती है। क्लियर? तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड देन क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्तों? अब यहां पे जो मैंने आपको डिफाइन किया कि जो पॉलिनोमियल के ये फॉर्म है, यहां पे जो ये पावर्स हैं, क्लियर, ये पावर्स हमारी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। प्लीज ध्यान देना इस बात पे, दीज पावर्स मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। Powers must be non-negative integers. Means, अगर मैं कहूं तो whole number होनी चाहिए, whole numbers. और मैं और simplify करता हूं, 0, 1, 2, 3 dot dot dot. ठीक है? Fraction में नहीं होनी चाहिए, negative नहीं होनी चाहिए, 0 हो सकती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। तो मैं आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूं 5x। अब आप ये बताइए कौन सी कैटेगरी का पॉलिनोमियल? इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है दोस्तों? 1। तो ये हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्लियर? इसी तरीके से मैं एक पॉलिनोमियल और लिख देता हूं आपके पास, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक, आगे चलते हैं।
फिर नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपके पास आपकी बुक में वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल मीन्स अगर आपको मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है, सपोज करो ये पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है आपको और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी एक्स की वन पे, देन व्हाट आई विल डू, फिर मैं एक्स की जगह वन पुट कर दूंगा तो ये पी ऑफ वन जो मेरे पास सॉल्व कर आएगा दैट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू वाई। क्लियर, तो ये आएगा फाइव वन प्लस सेवन फाइव टू दैट इज द 12। तो हम कहेंगे पॉलिनोमियल की वैल्यू वन पर 12 आती है। दिस इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्लियर, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि जो भी वैल्यू जिस पॉइंट पे भी जिस एक्स पे भी वो वैल्यू पूछेंगे हम पॉलिनोमियल में वहां पे एक्स की वैल्यू उसको, चाहे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो चाहे वो क्यूबिक हो, आपने हर जगह एक्स पे की जगह पर जो भी वो वैल्यू पूछेंगे वो डाल देना। अगर मैं इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना चाहता हूं एक्स इक्वल टू माइनस टू पे, देन व्हाट आई विल डू, मैं हर जगह एक्स की जगह माइनस टू की वैल्यू पुट कर दूंगा और उसको सॉल्व करके मेरे पास वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू माइनस टू फिगर आउट हो जाएगी। क्लियर, उसके बाद आपके पास मैं आपके चैप्टर में नेक्स्ट कंसेप्ट है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल से ही रिलेटेड है। अब जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल हम उसको कहेंगे जहां पर वैल्यू उसको डालने पर उसकी वैल्यू पुट करने के लिए अगर पॉलिनोमियल जीरो बन जाता है, मान लीजिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स प्लस फाइव, क्लियर, और मैंने पुट कर दिया एक्स इक्वल टू माइनस फाइव, देन पी ऑफ माइनस फाइव की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, जीरो, राइट। देन आई विल से माइनस फाइव इज ए, माइनस फाइव इज ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, माइनस फाइव इज ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। मतलब जिस एक्स पर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो बन जाए उसको हम कहते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो आप किस तरह से फिगर आउट करेंगे जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल के केस में ए एक्स प्लस बी अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है तो इसको आप कर देंगे पुट जीरो, क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो बननी चाहिए ना, तो वहां से इसको सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस बी अपॉन ए। तो जो ये एक्स की फिगर आउट किया माइनस बी अपॉन ए इज ए जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर, तो माइनस बी अपॉन ए जो आया हमारे पास फिगर आउट करने के बाद वो आया जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में जैसे सपोज करो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, फिर इसके हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर बना के फिगर आउट करेंगे इसके जीरो, इसको भी इक्वल टू जीरो पुट कर दिया हमने इस पॉलिनोमियल को और यहां पे हम फैक्टर बनाएंगे, ठीक, मिडिल टर्म स्प्लिट करके या कुछ और करके। नेक्स्ट आपके पास जो कंसेप्ट आता है वो आता है दोस्तों ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है क्या, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का तो वो स्ट्रेट लाइन हो सकती है, कर्व लाइन हो सकती है, इट मे बी अ स्ट्रेट लाइन, राइट। मान लीजिए मैंने लीनियर पॉलिनोमियल का एक ग्राफ ड्रॉ किया तो वो एक्स एक्सिस पे जहां पे टच करेगा जिस पॉइंट पर वहां के कोऑर्डिनेट एक्स का सपोज करो माइनस टू है और वाई तो वहां पे क्या होगा जीरो। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग जीरोस का मतलब ये है पॉलिनोमियल का कर्व एक्स एक्सिस पे कहां पर किस पॉइंट पे
टच कर रहे हैं। तो अगर जीरोस हमें ये बताते हैं कि एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है जहां पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ रही है, जैसे सपोज करो वाई इज इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव मेरा एक लीनियर पॉलिनोमियल, इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू आती है माइनस फाइव ओवर टू। तो माइनस फाइव ओवर टू यानी माइनस टू पॉइंट फाइव पे मेरे ये जो लाइन है वो यहां पे एक्स एक्सिस को आकर टच करेगी। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ, दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है राइट और वो इस तरह से जा रहा है क्लियर, तो उसका वो तो एक्स एक्सिस पे टच ही नहीं कर रहा, तो वो तो एक्स एक्सिस पे टच ही नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि उसका कोई भी जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल नहीं है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होना मैंडेटरी नहीं होता पॉलिनोमियल्स के लिए, जरूरी नहीं है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरोस बनेगी ही बनेगी। जैसे सपोज करो मैं यहां पे पॉलिनोमियल लिख रहा हूं दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्लियर, क्योंकि इसकी डिग्री टू दिख रही है आपको, पर इसका कोई भी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एग्जिस्ट नहीं करता, इसका कर्व एक्स एक्सिस पे कहीं पर भी कभी भी आकर टच नहीं करेगा। दूसरा ये एक है कि कुछ कर्व्स आपके ऐसे हो सकते हैं कि वो एक्स एक्सिस पे वन टू थ्री तीन जगह पे आके टच कर रहे हैं, तो इसके कितने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होंगे, इसके थ्री जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होंगे। अगर कोई एक जगह टच कर रहा है तो उसके वन एक ही जीरो हो, वन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा, अगर कोई टच ही नहीं कर रहा तो उसका कोई भी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। हम आपके पास एक स्टेटमेंट है, मैं दोबारा जाता हूं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के लेकर। अब ये जो मैंने आपके सामने एक ढांचा बताया था पॉलिनोमियल का, इसके एटमोस्ट, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है यहां पर एन डिग्री है, तो इसके एटमोस्ट, एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम एन जीरोस हो सकते हैं क्योंकि इसकी डिग्री एन है। तो लीनियर पॉलिनोमियल के मैक्सिमम वन जीरो हो सकती है, क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम टू जीरोस हो सकते हैं, क्यूबिक के मैक्सिमम थ्री हो सकते हैं, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, उनसे मिनिमम भी हो सकते हैं और हो सकता हो भी ना, पर मैक्सिमम एटमोस्ट उतनी जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके जीरोस पॉसिबल हो सकते हैं। आइए दोस्तों मैं आपको आपकी बुक्स पे लेके आता हूं, ये आपका सेकंड चैप्टर है। तो व्हाट आर पॉलिनोमियल्स, आई टोल्ड यू, मैंने उसका आपको फॉर्म बता दिया, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल मैंने आपको डिफाइन कर दिया। अब यहां पे ये जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है राइट, क्या मुझे बता सकते हैं ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे जो एक्स की पावर है, एक्सपोनेंट है जो एक्स का, वो फ्रैक्शन में हाफ है, अंडर रूट का मतलब हाफ होता है, मैंने आपको बताया था कि वो होल नंबर होना चाहिए राइट। यहां पे एक्स का माइनस में आएगा, यहां पे भी x माइनस में है क्योंकि डिनोमिनेटर साइड में, इसलिए ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। लीनियर पॉलिनोमियल मैंने आपको समझाया था जिसकी डिग्री 1 हो, यहां पे इसकी डिग्री x की पावर कितनी है 1, यहां पे y की पावर कितनी है 1, पॉलिनोमियल x y z किसी में भी हो सकते हैं, यहां पे भी x की पावर कितनी है 1, यहां पे z की पावर कितनी है 1, यहां पे u की पावर कितनी है 1, तो ये सारे के सारे एग्जांपल हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जहां पे डिग्री 2 हो, मैक्सिमम डिग्री 2, ये 2 है, यहां पे भी मैक्सिमम 2 है, यहां पे भी 2 है ठीक है, ये या दिस इज आल्सो ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा, सबसे पहले इसको लिखना चाहिए फिर ये एंड देन ये, तो इसमें भी मैक्सिमम डिग्री कितनी है दोस्तों 2 है ठीक। ये हमारे पास जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और आपका ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन आता है क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल सही है। अब आप देखेंगे इसमें जो b है ना, b मिसिंग है, देखिए a मिसिंग नहीं होना चाहिए, b c मिसिंग हो सकते हैं, a आपका मिसिंग नहीं होना चाहिए, a मस्ट नॉट बी नॉन जीरो, ये भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें b और c दोनों ही मिसिंग है, ये आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल की, इसमें भी देखिए a मस्ट बी नॉन जीरो, क्यूबिक x की पावर 3 वाला जो कोएफिशिएंट है उसको एडजस्ट करने के लिए a का नॉन जीरो होना जरूरी है। फिर वैल्यू ऑफ px एट
एक्स वन लाया, मैंने क्या कहा जैसे ये पॉलिनोमियल दे रखा है इसकी वैल्यू एक्स इक्वल टू माइनस वन पे कैसे फिगर आउट करेंगे, जहां जहां आपका एक्स है वहां पे आप माइनस वन यानी पॉलिनोमियल के पेट में आपने माइनस वन डाल देना है। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, जहां पे वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल जीरो बन जाती है। ठीक है, अगर हमारे पास ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसको सॉल्व करके हमारे पास ये जीरो फाइंड आउट किया था हमने, ये इक्वल टू जीरो पुट कर दिया तो के ये के हमारा जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल है, किसका लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है कि ये कर्व है जो ये लाइन है ये एक्स एक्सिस पे कहां पे मीट करती है। तो अब ये देखिए एक्स एक्सिस जो है माइनस थ्री बाय टू पे मीट कर रही है, तो माइनस थ्री बाय टू इज कॉल्ड द जीरो ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। क्लियर, तो जो लीनियर हमारे पास पॉलिनोमियल होगा उसका एग्जैक्टली वन जीरो ही पॉलिनोमियल, वन जीरो एग्जैक्टली वन जीरो होगी, दो नहीं हो सकती। अब ये पॉलिनोमियल है दोस्तों इसका एक भी जीरो फिगर आउट नहीं कर पाएंगे आप। अब जैसे अच्छा ये वाला पॉलिनोमियल है जो आपको एग्जांपल, ये एक्स एक्सिस पे कितनी जगह पे मिल रहा है, वन टू, तो एक तो इसका जीरो है एक्स इक्वल टू माइनस वन दिस वन दिस वन, और एक है एक्स इक्वल टू फोर, तो दो जीरो हैं इसकी, टू जीरो, इसकी भी टू जीरो हैं, इसकी भी टू जीरो हैं, इसकी क्योंकि ये एक्स एक्सिस ओनली वन पॉइंट पे मीट कर रहा है तो इसकी वन जीरो ही है सिर्फ, इसकी वन है, इसकी नो जीरो क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे मीट नहीं कर रहा, इसकी कोई भी जीरो नहीं है क्योंकि क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम दो हो सकती है, मिनिमम के लिए तो कुछ नहीं कहना, तो मिनिमम हो सकता है कि कोई भी ना हो। दिस ऑल्सो मीन्स दैट ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री टू हैज एट मोस्ट टू जीरो, मैक्सिमम टू जीरो हो सकते हैं। क्लियर, क्लियर हो गया आपके पास। अब इसकी वन टू थ्री जीरो हैं, इसकी जीरो से है एक तो माइनस टू, एक जीरो जीरो इन वन जीरो और एक टू, ओरिजिन पे जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो जीरो जीरो होते हैं, तो एक जीरो जीरो, एक जीरो है इसकी जीरो, एक टू है और एक माइनस टू है, यहां पे ओनली वन जीरो है, यहां पे वन टू जीरो है। मैंने ये आपको रूल बता दिया था जिसकी एन डिग्री होती है इसके एटमोस्ट एन जीरो। अभी एग्जाम्पल नंबर वन आप इजिली कर लेंगे, इसकी वन जीरो है, इसकी टू है, इसकी वन टू थ्री है। अब ये रीजन दे है, नंबर ऑफ जीरोस इज वन एज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट ओनली एट पॉइंट ओनली एट वन पॉइंट ओनली। क्लियर, इसकी टू जीरोस है क्योंकि वो टू पॉइंट्स पे मीट करता है, अगर वो दस पॉइंट्स पे मीट करेगा तो उसकी दस जीरोस होंगी। क्लियर, आपकी इससे पहली एक्सरसाइज हो जाएगी। अब इसकी कितनी जीरोस है, वन टू थ्री, थ्री जीरोस है, व्हाई, बिकॉज इट इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट थ्री पॉइंट्स। आई होप आपको यह समझ आएगा। Thanks for watching my video. You are very thankful. I am very thankful to you.